फटाफट क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो यंग खिलाड़ियों को अपना पोटेंशियल दिखाने का पूरा मौका दे रहा है। इस टूर्नामेंट में अगर आपने जलवा दिखा दिया तो आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। आईपीएल 2023 सीजन के अभी बस 8 मैच हुए हैं, लेकिन इन मैचों में 20 लाख जैसे कम बेस प्राइस वाले यंग खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर महंगे दाम पर फ्रेंचाइजीज में शामिल नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को मात दे रहे हैं, जिस वजह से ये यंग खिलाड़ी सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा में बने हुए हैं। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हुए रोमांचक मैच में पंजाब की 5 रन से जीत से ज्यादा राजस्थान रॉयल्स के यंग बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी की चर्चा हो रही, क्योंकि अपने आईपीएल डेब्यू मैच में इस यंग खिलाड़ी ने 15 गेंदों में शानदार 32 रनों की पारी से एक समय पंजाब किंग्स के फैंस की सांसें रोक दी थी। वहीं पंजाब को ये मैच जिताने में शिखर धवन के साथ साथ 22 साल के युवा प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। अभी तक आईपीएल 2023 में कुल 8 मैच खेले गए, जिसमें विदेशी प्लेयर से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट फैंस को एंटरटेन किया है। इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन और मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा का भी नाम है। वहीं अगर बात करें आईपीएल ऑक्शन में सैम करन, कैमरून ग्रीन, निकोलस पूरन और हैरी ब्रूक जैसे विदेशी खिलाड़ियों की, जिन्हें फ्रेंचाइजीज ने करोड़ों रुपए देकर अपनी टीम में जोड़ा, लेकिन अब तक ये खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए हैं। वहीं इसके अलावा भारतीय स्टार्स की बात करें तो अभी तक केएल राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव जैसे नामचीन खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। क्या आपको लगता है बड़े खिलाड़ियों से ज्यादा यंग खिलाड़ी इस आईपीएल सीजन में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।